दोस्तों आपका स्वागत है एक नए क्लास में। मैं इंजमाम और आप देख रहे हैं अपना क्लासेस। आज हम नोटपैड, जो कंप्यूटर का बेसिक एप्लीकेशन होता है, उसके बारे में आज स्टडी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कि नोटपैड होता क्या है। नोटपैड में जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी नोट को इसमें लिख सकते हैं। एक तरह से माने तो ये वर्ड पैड का छोटा भाई होता है, और इसका एक बड़ा भाई क्या होता है, वर्ड पैड होता है। नोट पैड एक छोटा भाई होता है और वर्ड पैड इससे एक बड़ा भाई होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको मैं बहुत ही आसानी तरीके से आगे बताऊंगा। इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है फाइल मेनू। यदि फाइल मेनू पर आप क्लिक करेंगे, देखिए कई सारे ऑप्शन यहाँ खुल के आएंगे। ये कई सारे ऑप्शन खुल के आएंगे तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ कई सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फाइल। फाइल में एक दिया न्यू का ऑप्शन। यदि आप इस पे कुछ टाइप करते हैं, ठीक है, यदि कुछ इस पे टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद यदि ये चीज़ आपको नहीं चाहिए, ये चीज़ क्या करना है आपको इस पे से हटाना है, ये चीज़ आपको नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, न्यू पेज, एक नया पेज लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से तो हटा सकते हैं लेकिन ये पूरा हमको हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नया पेज ले लेंगे। तो जैसे ही नया पेज पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि ये चीज़ आपने लिखा है इसको सेव करना है कि नहीं सेव करना है। यदि डू नॉट सेव इसको हम लोग कर देते हैं तो ये सेव ना होकर एक नया पेज हमको मिल जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए क्या होता है ओपन। ठीक है, ओपन क्या होता है, जैसे कि कोई भी फाइल हम इसमें सेव करते हैं और सेव करने के बाद फिर 2 दिन 3 दिन बाद उसको ओपन करके देखना है, या उसी टाइम उसको ओपन करके देखना है, तो हम ओपन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, तो फाइल पे क्लिक करना है और ओपन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नोट पैड का कोई फाइल नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक फाइल हम लोग सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, लिख लेंगे अपना CLASSES2.0। ठीक है, यहाँ फाइल पे आएंगे और फाइल पे आने के बाद यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने जैसे जाएंगे, देखिए यहाँ पर लोकेशन पूछेगा डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप मतलब होता क्या है, ये जो हमारा ये स्क्रीन देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। अब आ जाते हैं फिर यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद तो आपका ये फाइल कहाँ सेव हो रहा है, डेस्कटॉप मतलब स्क्रीन के ऊपर सेव हो रहा है। ठीक है, यहाँ हम नाम दे देते हैं क्या, तो ENZAMAN इंजमाम नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ से सेव कर देते हैं। तो देखेंगे, देखिए यहाँ पे इंजमाम के नाम से एक ये सेव हो चुका है, ये वाला इंजमाम के नाम से ये सेव हो चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यदि अब हम नया पेज लेने के लिए आएंगे तो वो डू नॉट सेव वाला ऑप्शन हमसे नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देखिए ओपन कैसे करना है, ये देख लीजिए। फाइल में क्लिक करेंगे, ओपन में आएंगे, जो इंजमाम वाला हमने सेव किया था उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। उसके बाद सेव, सेव तो आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए उसके बाद क्या होता है, सेव एज। एक होता है सेव और एक क्या होता है, सेव एज। दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि एक नया पेज ले लेते हैं, और नया पेज लेने के बाद हम यहाँ एक टाइप करते हैं, जैसे कि राम इज गोइंग टू टू मार्केट। ठीक है, MARKET मार्केट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, किस नाम से सेव करते हैं, तो हम लोग सेव करते हैं इसको मोहन के नाम से सेव करते हैं। ठीक है, कहाँ सेव हो रहा है, डेस्कटॉप मतलब स्क्रीन के ऊपर, यहाँ सेव कर दी। अब ये मोहन के नाम से क्या हो गया, यहाँ पे सेव हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर इसको क्लिक करते हैं। हम चाहते हैं यही सेम चीज सोहन के नाम से भी सेव हो जाए, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये सेम रहा है, बस टाइटल क्या हो जाए, सोहन हो जाए। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे हम लोग सेव पे, तो अब सेव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से सेव हो चुका है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेव एज का यूज करेंगे। यानी कि सेव एज क्या करता है, सेव की गए फाइल का डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। तो क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, और फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एज पे क्लिक करेंगे, देखिए एक फिर वही सेम लोकेशन के हिसाब से ये चीज खुल जाएगा, और यहाँ क्या लिख देंगे, सोहन। सोहन लिखने के बाद यहाँ से हम लोग
सेव कर देंगे। तो ये सेव, तो यहाँ पे यदि आप लोग क्लिक करेंगे डबल क्लिक से ओपन हो जाता है। डबल क्लिक करेंगे देखिए यहाँ मोहन लिखा हुआ है, इसके अंदर राम इज गोइंग टू मार्केट लिखा हुआ है, और ये सोहन लिखा है, इसमें भी क्या है, राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है, पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है, यह इस ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, पेज सेट करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं या ओरिएंटेशन सेट करते हैं। अब पेज मार्जिन ओरिएंटेशन क्या होता है देखिए, तो पेज सेटअप में क्लिक करेंगे, और पेज सेटअप में क्लिक करेंगे सबसे पहले क्या होता है कि पेपर का साइज, पेपर का साइज मतलब पेपर किस साइज में है। ये देखिए अलग अलग साइज चेंज करते हैं, यहाँ देखिए ये जो है ना, ये प्रैक्टिकल यहाँ पे ये चीज चेंज होगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्लिक करते हैं, चेंज करते हैं, देखिए यहाँ चेंज हो रहा है, ये वाला ये पेज हमारा चेंज होगा। फिर यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, ज़्यादा पॉपुलर जो है वो कौन सा है आपका, A4 पेपर, तो ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से A4 लेते हैं, ये रहा A4 पेपर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा क्या होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब जो हमारा पेज ऐसे खड़ा है, ऐसे, उसको क्या बोलते हैं पोर्ट्रेट। यही पेज हमारा ऐसे हो गया तो उसको क्या बोलेंगे लैंडस्केप। तो ये प्रैक्टिकल देखिए यहाँ चेंज होगा, जैसे पोर्ट्रेट मतलब पेज खड़ा है ऐसे, और लैंडस्केप मतलब क्या होगा, ये पेज ऐसे हो जाएगा, मतलब पोर्ट्रेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, और लैंडस्केप करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद क्या, मार्जिन। ऐसे समझे मार्जिन होता क्या है, तो हमारा टेक्स्ट जो जगह छोड़ के लिखता है पेज पर उसको क्या बोलते हैं, जो जगह छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करना, देखिए यहाँ 2 यहाँ कर देंगे 1, तो देखिए अब 1 इधर से लिखा। ठीक है, यदि हम इसको कर देते हैं 0, तो ये देखिए पूरा पेज में सट के लिख रहा है। इधर से करते हैं 1 और इधर से करते हैं 2, इधर से भी कर देते हैं 2, ठीक है, और इधर से भी कर देते हैं 2। तो मार्जिन आप लोग को समझ में आया, जो एरिया हमारा पेज छोड़ के लिखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ सब ओके कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या होता है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट क्या होता है कि अब हमने क्या किया कि डॉक्यूमेंट को नया पेज ले लिया, ओपन कर लिया, सेव कर लिया, सेव एज कर लिया, पेज सेटअप कर लिया, अब क्या करेंगे उसको प्रिंट करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बनाया है, तो यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद सबसे पहले देखिए यहाँ देता है सेलेक्ट प्रिंटर, मतलब कि आपको किस प्रिंटर से प्रिंट करना है। तो मान लीजिए ये फ्लेक्स प्रिंटर से करना है या जो भी प्रिंटर है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है नंबर ऑफ कॉपी, कितना कॉपी आपको प्रिंट करना है। ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे मैं एमएस वर्ड एक्सेल ये सब का वीडियो बनाऊंगा, तो ये सब आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी बस आप लोग ये दोनों चीज़ समझिए। ठीक है, ये क्या है सेलेक्ट प्रिंटर, मतलब यहाँ जो भी प्रिंटर से 5, 6, 7 प्रिंटर लगे हुए हैं, वाईफाई से ज्वाइन है, तो इसमें सारे शो करेंगे, जैसे ये वाला शो कर रहा है। और उसके बाद क्या है नंबर ऑफ कॉपी, नंबर ऑफ कॉपी में हम कितना प्रिंट करते हैं 8 कॉपी, जैसे बोलते हैं ना भैया 8 कॉपी प्रिंट कर दीजिए, 20 कॉपी प्रिंट कर दीजिए, सेम वही चीज़ है। ठीक है, जैसे यहाँ अप्लाई मारेंगे, अप्लाई जैसे ही हम मारेंगे तो क्या कहेगा, प्रिंटर कैन नॉट बी सपोर्ट मैक्सिमम 1 कॉपी, क्या कर सकता है ये प्रिंट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर प्रिंटर अभी सपोर्ट नहीं है। तो ओके करेंगे और यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए अब क्या कर रहा है, सेव करने के लिए, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे किसी भी नाम से हम लोग सेव कर लेते हैं, और जैसे सेव करें देखिए यहाँ प्रिंट होने के लिए चला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है, जैसे फाइल मेनू हम लोग देख लिए, यहाँ प्रिंट तक समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद देखिए यहाँ देता है एडिट मेनू। एडिट मेनू में क्या होता है कि ये सारे ऑप्शन इतने आते हैं, तो ये सारे ऑप्शन को हमको एडिट मेनू में पढ़ना है। तो सबसे पहले एडिट मेनू में क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले दे रहा है यहाँ अंडो, UNDO, जिसका काम क्या है, यदि कोई भी मैटर आप डिलीट कर देते हैं तो उस मैटर को क्या करता है, वो रिकवरी करने का कार्य करता है। क्या करता है, रिकवरी करने का कार्य करता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब को लिखने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यदि फिर इस सब्सक्राइब को लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि सब्सक्राइब को डिलीट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद टाइप करते हैं लाइक, ठीक, इसको भी सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, सॉरी इसको भी सेलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अब सब्सक्राइब ना के क्या आएगा, लाइक आएगा, क्योंकि ये जो रिसेंटली जो भी डिलीट हुआ रहता है उसको ये देता है,
ठीक है, जो रिसेंटली कौन डिलीट हुआ है, तो लाइक डिलीट हुआ, तो लाइक आएगा। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद क्या होता है, कट। कट क्या होता है, उसके बाद होता है कट। कट क्या होता है, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं सब्सक्राइब, ठीक है, इसको क्या करना है कि कट करना है यहाँ से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाएंगे और यहाँ कट पे क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एक्स। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और एंटर करेंगे कीबोर्ड से, एंटर करेंगे देखिए लाइन ब्रेक होता है, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। फिर एंटर करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ से पेस्ट या कंट्रोल भी करेंगे तब भी ये पेस्ट हो जाएगा। जैसे कंट्रोल भी करेंगे तो देखिए इसके आगे ये पूरा पेस्ट होता चला जाएगा, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, ठीक है। अब आते हैं कॉपी। कट आपको समझ में आया, कॉपी क्या होता है। कॉपी जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ये लाइक लिखा हुआ है, ठीक है, लाइक को क्या करते हैं हम लोग, करते हैं कॉपी यहाँ से, ठीक। देखिए लाइक में क्या हो रहा है, लाइक में जब हम लोग कॉपी किए हैं तो वो मैटर वहाँ से नहीं हट रहा, लेकिन कट वाले में वो मैटर वहाँ से हट जा रहा था, यानी कि कॉपी करेंगे तो वो मैटर वहीं रहेगा, सेम उसी जैसा दूसरा मैटर कहीं और हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कट में क्या होगा कि वो मैटर वहाँ से हट के दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एंटर करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, एंटर करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे पेस्ट, तो लाइक यहाँ पे आएगा, फिर क्लिक करेंगे तो लाइक आएगा, या पेस्ट का सॉफ्टवेयर जो क्या होता है कंट्रोल भी, तो लाइक 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 यहाँ पे पूरा ये आने लगेगा। समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद होता है डिलीट, ठीक है। डिलीट क्या होता है, जैसे मैंने आप लोग बताया कुछ भी यहाँ टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसमें जो भी ऑप्शन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, दिख दिया है फाइंड, ठीक है। फाइंड में क्या होगा, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे मोहन, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं SOHAN सोहन, दो चीज लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं AMAN अमन, इतना लिखते हैं, और क्या करेंगे कंट्रोल ए, यहाँ पे क्लिक कर देखिए सेलेक्ट ऑल क्या दिया हुआ, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और करेंगे क्या, कॉपी, कॉपी हो गया, यहाँ क्लिक करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे पेस्ट, कई बार इसको कॉपी और पेस्ट हम लोग यहाँ से करा लेंगे, ठीक है। तो पेस्ट 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 करा लेंगे यहाँ से, ये क्या हो गया पूरा कॉपी पेस्ट हो गया। जब कॉपी पेस्ट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट पे, और एडिट पे क्लिक करने के बाद कहाँ क्लिक करेंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, इस ऑप्शन का यूज किसी दिए गए पैराग्राफ से किसी वर्ड को फाइंड करके देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, तुम्हारे देखना है MOHAN मोहन, ठीक है, यहाँ मैच कैस कर दिएगा, सबको मैच करेगा, और वर्ड रैप अराउंड मतलब सब मतलब हर तरफ वो घूमेगा, ठीक है। अब करते हैं फाइंड नेक्स्ट, यहाँ फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए अगला 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 यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट होता हुआ ये आएगा, देखिए ऐसे, ठीक है। अब हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ चेंज अमन क्लिक करते हैं, तो यहाँ से ये अमन आएगा, या अप करेंगे तो फाइंड करते हुए कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और डाउन करेगा तो कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया। देखो उसके बाद क्या होता है, फाइंड नेक्स्ट जो हमने यहाँ लिखा था अमन, तो ये फाइंड नेक्स्ट मतलब अगला अगला फाइंड करेगा, ठीक है, मतलब इसके बाद वाला। तो सॉफ्टवेयर क्या, F3, जैसे F3 करेंगे मतलब इसके बाद इसके बाद इसके बाद, मतलब वो हमने डाटा क्या दे दिया अमन, और करते रहेंगे F3 तो ऑटोमेटिक यहाँ से अगला अगला फाइंड करता चला जाएगा, समझ में आया। उसके बाद एडिट में आएंगे, प्रीवियस फाइंड यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके पीछे जाएगा, मतलब कि यदि यहाँ फाइंड कर रहा है तो इधर जाएगा, और देखिए यहाँ पे एक बार बता दे रहे हैं, यहाँ क्लिक कीजिए फाइंड नेक्स्ट, कहाँ गया आगे गया, फाइंड नेक्स्ट कहाँ गया, इसका आगे गया, लेकिन प्रीवियस फाइंड करेंगे तो इससे पीछे आएगा। समझ में आया आप लोगों को। कोई भी इसमें ऑप्शन आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करें, और कमेंट का रिप्लाई तुरंत आप लोगों को मिलेगा, और उसका जो भी मतलब वीडियो होगा मैं आपको बना दूंगा, या आपको मैं PDF के थ्रू या ऑनलाइन क्लास के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। तो आगे देखते हैं। उसके बाद दिया हुआ रिप्लेस, रिप्लेस मतलब ऐसे समझ में आ रहा है किसी नाम के जगह किसी और नाम को क्या करना, रिप्लेस करना,
मतलब जैसे सोहन लिखा हुआ है, सोहन को हम रिप्लेस करते हैं किसमें, मंजित में या अजीत में या सुजीत में, तो यहाँ क्लिक करते हैं सबसे पहले फाइल एडिट में, और देखिए यहाँ दिया रिप्लेस, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ अमन को रिप्लेस करते हैं किसमें, अमरीता, अमन और अमृता, अच्छा नाम है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, चलिए अब अमन और अमृता, अच्छा नाम है, चलिए अब इस पर ध्यान मत दीजिए नाम पे, अब पढ़िए आप। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर रिप्लेस, तो सबसे पहले क्या कहेगा कि अमन को खोजेगा, और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अमृता, ठीक है। फिर अमन को यहाँ सर्च मारेगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसा चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ क्लिक करेंगे ये ऐसा चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ क्लिक करेंगे ये ऐसा चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ क्लिक करेंगे ये ऐसा चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अब क्या करना है कि एक ही बार में सबको हम क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ देखिए नीचे एक ऑप्शन दे रहा है रिप्लेस ऑल, तो जैसे रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये वाला जो नाम होगा वो इस नाम में, मतलब ये जो ऊपर का ये नाम लिखा हुआ है सेम इस नाम में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम एक और करते हैं, जैसे कि मोहन को किस में रिप्लेस करते हैं, तो MONI, ठीक है, यहाँ से रिप्लेस आल, तो मोहन किस में रिप्लेस हो गया, तो MONI मोनी में रिप्लेस हो गया, ठीक है, जोड़ी अच्छा बन रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको कट कर लेंगे, कट करने के बाद फिर आ जाएंगे, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एच है, यानी कि कीबोर्ड से आप लोग क्या करेंगे कंट्रोल एच, तो ये खुल के आ जाएगा, समझ में आया। उसके बाद आगे आते हैं सेलेक्ट ऑल, मतलब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको डिलीट करते हैं, देखिए उसके बाद क्या ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए दिया हुआ है टाइम ऑब्लिक डेट, मतलब कि आप कुछ इसमें टाइपिंग कर रहे हैं खूब फास्ट एकदम तेज तेजी से, ठीक है, और आपको देखना है कि कितने देर में आप कितना लाइन टाइप किए। मान लीजिए आप 20 लाइन टाइप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइम और डेट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से एकदम घोड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ाएंगे खूब तेज तेज, ठीक है, यहाँ से घोड़ा दौड़ाएंगे कितना लाइन, 10 लाइन घोड़ा दौड़ाएंगे। 10 लाइन दौड़ाने के बाद क्या करेंगे आप लोग, एंटर करेंगे और यहाँ से फिर क्लिक करेंगे और ले लेंगे यहाँ टाइम और डेट, तो इस टाइम में और इस टाइम में 1 मिनट में मैंने यहाँ से और यहाँ तक घोड़ा दौड़ा मतलब टाइपिंग किया, घोड़ा का दौड़ा लिया मतलब टाइपिंग किया यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट में, इतना फास्ट नहीं कर पाओगे तुम। चलो अब देखो आगे, और यहाँ से इसको हटा लेंगे डिलीट करके, ठीक है, कीबोर्ड से मैंने डिलीट किया है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है कि आपका फॉर्मेट, फॉर्मेट में दो ऑप्शन होता है, एक होता है वर्ड रैप, डब्लू साइलेंट होता है, ठीक है, वर्ड रैप होता है, क्या होता है फॉन्ट, इसमें समझना है। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, देखिए लाइन चेंज करके लिख रहा है, तो ये इसके ऊपर कोई ना कोई वर्क तो कर रहा है, तभी तो ये लाइन चेंज करके लिखेगा ना, तो कौन वर्क कर रहा है, तो ये छुपा हुआ है, ये है वर्ड रैप, ये इसके ऊपर वर्क कर रहा है छुप के, ठीक है। तो यदि जब यहाँ ये एक्टिव रहेगा तो क्या करेगा, कंटिन्यूअस लाइन चेंज करके ऑटोमेटिक लिखेगा, जब ये डीएक्टिव रहेगा तो एक लाइन में सबको हटा देगा, जैसे अरे किसी और चीज पे क्लिक हो गया, इसको मैं बताऊंगा अभी, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब एक लाइन में, जैसे देखते हैं आप लोग ना स्टेशन में जाते हैं तो वो ट्रेन आने वाली है तो रेड कलर में पूरा ऐसा चलता है, तो उसी तरह देखिए पूरा चलेगा ये, ठीक है। अब चाहते हैं कंटिन्यूस लाइन चेंज करें ऑटोमेटिक, तो यहाँ क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक लाइन चेंज करके लिखिएगा, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे फ्रंट पे आएंगे, ठीक है, फ्रंट पे क्या कर लेंगे हम लोग, क्लिक कर लेंगे, जैसे ही फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन खुल जाएंगे जो देखने में बहुत ही सुंदर और स्मार्ट लगेंगे, ठीक है। तो स्मार्ट और सुंदर से हमको नहीं मतलब, हमको क्या है हमारा काम हो जाना चाहिए, तो यहाँ हम लोग पेस्ट करते हैं मोहन सोहन अमन, चलिए यही बार बार चले आ रहे हैं घूमते फिरते, कोई बात नहीं है, यहाँ क्लिक करेंगे फ्रंट पे आ जाते हैं। फ्रंट पे आने के बाद यहाँ से आप लोग फ्रंट ऊपर, ऊपर फ्रंट का नाम है, ठीक है, देखिए ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ क्लिक करेंगे फ्रंट पे क्लिक करेंगे, फिर आ जाएंगे यहाँ पे ये, ठीक, यहाँ पे ये, तो ये ऐसे लिखेगा फनी टाइप का, ठीक है। तो ऐसे इसमें आप लोग एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा तो बोल्ड करना है इसको, और ये खाया खाता पीता नहीं है उसको, और मोटा करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये थोड़ा खाने पीने वाले घर से लगने लगेगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करने से क्या करना है, थोड़ा बड़ा करना है, ये छोटा है, स्मॉल है, छोटू सा है, तो यहाँ क्या करेंगे क्लिक करेंगे 72 और यहाँ पे ओके, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
आई होप ये नोट पैड आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को नोट पैड ये जो भी ऑप्शन आपको समझ में नहीं आए हैं या आप कमेंट करें तो मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये MS ये जो मैं बताया हूँ आपको नोट पैड, ये नोट पैड का आपको नोट्स मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स मिल जाएगा, PDF में मिल जाएगा, या आप वीडियो तो देख ही लिए और PDF में भी नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप भी पढ़िए और अपने दोस्त को भी सेंड कीजिए कि वो भी पढ़े, तो बोलेंगे कि हाँ हमारे दोस्त एक अच्छा वीडियो हमारे पास सेंड किया था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।